स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का पेपर वन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट वन किया था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट टू करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 11 से 13 जेपीएससी का प्री एग्जामिनेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये पेपर वन का है। आप लोग विषय सूची भी देख सकते हैं, इसमें हमने पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट टू करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने से पहले मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहती हूँ कि जो नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा ये सेशन देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर किन्हीं व्यूअर्स को किसी दूसरे पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट बनवाना है तो आप लोग उसे कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बुक का नाम, मैं उससे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो आइए देखते हैं, समय न ज़्यादा बर्बाद करते हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट टू को करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। नेक्स्ट है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा जो जारी हुई थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते हैं। नेक्स्ट है, तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलाबू एवं कारपू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं? तो कलाबू जो है और कारपू जो है वो विवाह के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? तो यहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शन, 1, 2, 3 दिया है। पहला है युद्ध में की गई लूट, दूसरा है कर और तीसरा है नजराना। तो युद्ध में की गई लूट तो राजा की आय का मुख्य स्रोत था वैदिक काल में, कर भी था लेकिन नजराना नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में सिकंदर का जो सफलता मिला था वह किन कारणों से मिला था? पहला दिया है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सभी राजा छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। दूसरा है, उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था, सिकंदर के पास जो भारत की सेना थी उसके मुकाबले बहुत प्रशिक्षित थी, ये भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो कौन से सही हैं, दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था? तो जो सती बालिका का मार्मिक विवरण है उसे बार्नियर ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ, सजदा और पैबोस की रस्म जो है दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत का जो बलबन थे गुलाम वंश के शासक, उन्होंने आरंभ किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब के दोहे में किस संत के दोहे शामिल किए गए हैं? तो उनका नाम है रैदास, तो रैदास का जो दोहा है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैदास। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? औरंगजेब द्वारा संकलित पूछ रहा है दोस्तों कि इस्लामी कानून का बृहत्तम सार संग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फतवा आलमगिरी, ऑप्शन नंबर ए है, फतवा आलमगिरी ही है जिसमें औरंगजेब द्वारा संकलित किया गया इस्लामिक कानून है। नेक्स्ट है,
नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद शाह के समय हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले को नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। नेक्स्ट है, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची वन में विद्रोही नेता का नाम दिया हुआ है, सूची दो में विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है कि किस विद्रोही नेता ने कहाँ पे विद्रोह किया था। तो यहाँ विद्रोही नेता का नाम दिया गया है बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो, उनका विद्रोह का केंद्र दिल्ली था। फिर दिया है बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर जो थे वो लखनऊ, उनका केंद्र था विद्रोह का। फिर है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर, इनका केंद्र था। लियाकत अली, लियाकत अली का केंद्र विद्रोह का इलाहाबाद था। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है कि कौन सा जो घटना हुआ पहले घटा है, कौन सा बाद में हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है वो सबसे पहले हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह उसके बाद हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये बाद में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह पहले हुआ था, ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 3। इस पब्लिकेशन और बुक का सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि इसमें जो हमारा सिलेबस कह रहा है, सिलेबस में जिस तरह से प्रश्नों का बंटवारा किया गया है टॉपिक वाइज, उसी तरह इस सेट में आपका टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक में आ गए हैं सिलेबस के अनुसार, भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के अनुसार यहाँ 10 प्रश्न आपके दिए गए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जब भी सही नहीं है तो उस पर स्टेट डालेंगे कि सही नहीं, ये नहीं कि पढ़े पहला पढ़ें और सही है उस पर हम लोग टिक लगाएं, नहीं पे हम लोग को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा कभी कभी फंसा देते हैं, कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन ए में दिया गया है अटलांटिक महासागर समस्त महासागरों में अधिक द्वीप समूह है। फिर दिया गया है प्रशांत महासागर में विश्व में अन्य महासागरों से अधिक द्वीप समूह है, ये सही है, सही है। फिर आपका दिया गया है मध्य अटलांटिक कटक का कोई भी भाग महासागरीय जल से ऊपर नहीं उठता है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे एक टेस्ट सीरीज के रूप में देख सकते हैं और ख़ुद से टेस्ट के रूप में इसे बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कोरिंग क्या है, और जितना स्कोरिंग आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी एवं पूर्वी व्यापारिक पवनें मुख्यतः किस प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं? तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो स्थानीय पवनें हैं। इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय पवने। नेक्स्ट है, कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया गया है, बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है ना कि इसके ढांचे से। कारण है, बांध बहते पानी को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो कूट के अनुसार उसका जवाब देना है। ए में दिया कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की समुचित व्याख्या करता है, नहीं समुचित व्याख्या नहीं कर रहा है। बी में है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं है, यही आपका आंसर है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की उचित व्याख्या
नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयले का भंडार जो है वो नैवेली में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैवेली। भारत में लिग्नाइट कोयले का भंडार नैवेली में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया है स्थान और सूची दो में उद्योग का नाम दिया गया है, आपको मिलान करना है किस जगह पे कौन से उद्योग हैं। मैं चाहती हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। आपका मैं पढ़ देती हूँ, स्थान और उद्योग का नाम जामनगर, हॉस्पेट, कोरबा, हल्दिया। इधर एक तरफ उद्योग का नाम दिया गया एल्यूमिनियम, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। नेक्स्ट है, मानसून के साथ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा चक्रवात? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है निम्न में से किस प्रवाह का एक भाग होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है मानसून के साथ आता है वो पूर्वी प्रवाह का भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है? यहाँ आग्नेय शैल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीजा राइड। गीजा राइड जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चिल्का भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, सही है। दूसरा है चिल्का महानदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी से सटा मैदान उत्तरी भाग में कोरोमंडल तट कहलाता है, ये सही नहीं है। तो यहाँ वो बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन हो जाएगा आपका एक एवं दो, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पनामा जनसंधि जोड़ती है, पनामा जनसंधि जो है वो किसको किसके साथ जोड़ती है उसके बारे में हमें बताना है। तो पनामा जो जनसंधि है वो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। किसको जोड़ती है दोस्तों? तो दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची एक में जनजाति का नाम दिया गया है, सूची दो में क्षेत्र है कि कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, टोडा जनजाति। फिर है लेमचा जो है वो सिक्किम में पाया जाता है। फिर है बिरहोर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि झारखंड में पाया जाता है। गारो जो है वो मेघालय में पाया जाता है, मेघालय का जो पहाड़ी है वो बहुत वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ का एक जो जनजाति है वो गारो और खासी मेघालय में पहाड़ियों का नाम है, उसी के नाम पे यहाँ पे जनजाति भी पाया जाता है। गारो जनजाति बहुत ही फेमस है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक और क्वेश्चन बनेंगे कि गारो कहाँ की जनजाति है और वहाँ पर गारो और खासी क्या है। यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन रहा है, गारो खासी क्या है। तो गारो और खासी मेघालय की एक बहुत ही फेमस पहाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं यहाँ बता देना चाह रही हूँ दोस्तों कि भारतीय संविधान और लोक प्रशासन एवं सुशासन से जो आपके सिलेबस के अनुसार 10 प्रश्न हैं, तो यहाँ भी प्रैक्टिस सेट में आपके 10 प्रश्न इस टॉपिक से शामिल किए गए हैं। ये अभी तीसरा टॉपिक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है सिर्फ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो होता है दोनों को निर्धारित करता है, वो अनुच्छेद 105 है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो निर्वाचित सदस्य के संस्था कौन होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, और किसी के द्वारा उन्हें नहीं हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ दिया गया है एक में 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिर दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। फिर तीसरा में है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो कुट के अनुसार इसका जवाब देना है। तो पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो ये सिर्फ तीसरा वाला कथन आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल तीन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लूथर गुलिक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेबर के सूत्रीकरण में कौन नौकरशाही का अर्थ है, नौकरशाही का क्या अर्थ है उसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए सैंडविच पैटर्न, कौन सा पैटर्न सैंडविच पैटर्न प्रशिक्षण की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आर्थिक एवं धारणीय विकास, इससे 10 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से, तो 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में ध्यान से पढ़िए, जो कथन है उसको ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है। कथन दिया गया है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग है, जी हाँ है। दूसरा में दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, बिल्कुल सही है। अब उत्तर देना बोल रहा है कूटों के आधार पर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक एवं तीन सही है। कथन आपका दिया हुआ है भारतीय ने प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उसको पढ़िए और विचार कीजिए। तो पहला कथन आपका दिया गया है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है, जी हाँ सही है। भारतीय कपड़ा उद्योग विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यात देश है, जी बिल्कुल सही है। यह तीसरा में है यह उद्योग विनिर्माण के क्षेत्र में 18% सकल घरेलू उत्पाद GDP में 2% का योगदान देता है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार आपका कूट के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक दो एवं तीन। नेक्स्ट है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, पहला है कपड़े, जी हाँ ये निजी आपका वस्तु है। फिर कार, ये भी निजी वस्तु है। खाद्य पदार्थ, ये भी निजी वस्तु। इसके अनुसार कुट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक दो और तीन। नेक्स्ट है सेन सूचकांक का संबंध है किससे, तो सेन सूचकांक का जो संबंध है वो निर्धनता से है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति जो शेयर घोटाले की जाँच पड़ताल किए थे, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए फेमस है, ये भी सही है। अब चौथा दिया गया है तारापोर समिति जो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है आंसर आपका शिशु मृत्यु दर जो है वही मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो पांचवा टॉपिक है सामान्य विज्ञान कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी से है। आपके सिलेबस के अनुसार इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 15 प्रश्न यहाँ शामिल किए गए हैं सेट में उदाहरण के तौर पे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? कौन सा पादप है जो कीट को खाकर अपना भोजन बनाता है? तो वो कीट का नाम है घटपर्णी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटपर्णी। कौन सा कीट है जो आहार प्राप्त करता है? तो घटपर्णी। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आविष्कार है और सूची दो में आविष्कारकर्ता का नाम है, तो कौन सा आविष्कारकर्ता ने किस चीज़ का आविष्कार किया है उसको हम लोग कुट के अनुसार मिलान करना है। तो आपका पहला ए में दिया है किन्वन। किन्वन के आविष्कारकर्ता है लुई पाश्चर। किन्वन के कौन है? तो लुई पाश्चर हैं। फिर है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के आविष्कारकर्ता हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आपका दिया हुआ चेचक का टीका। चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर का आविष्कार किया हुआ है। फिर है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो रॉबर्ट कोच का खोज है। इसके अनुसार आपका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया है मानव रक्त, सूची दो में दिया गया है उसका कितना रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1, 4 मिलान कर लीजिएगा। जैसे आपका हो जाएगा दूध का, हो जाएगा आपका मान कितना होना चाहिए, तो दूध का है 6.4। दूध का हम लोग देख रहे हैं 6.4 है। फिर है मानोलार। मानोलार का हो जाता है 7.3 से 7.5। फिर आपका है मानवमूत्र। मानवमूत्र का ऊपर दिया गया था 5.5 से कुछ था समथिंग, वो हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। वो प्रचुरतम स्रोत गोल्डन चावल में क्या चीज़ का मिलता है? तो विटामिन ए का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर परिवर्तित करता है किसको किस में परिवर्तित करता है वो पूछा गया है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? तो विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट है, फसल चक्र विधि का क्या लाभ नहीं है? तो यहाँ क्या लाभ नहीं है पूछता है। लाभ के तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्या लाभ नहीं है वो उस तरफ हम लोग ध्यान देंगे, क्या लाभ नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमि का कटाव रोकना तो लाभ ही है उसका, वर्ष भर नियमित आमदनी भी होती है, अधिक फसल उत्पादन भी होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन से न्यूनतम आय, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है परितारिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? यहाँ दिया गया है आपका प्रोटियम। प्रोटियम है समस्थानिक। फिर आपका दूसरा में है रेडियम। रेडियम नहीं है। फिर है ड्यूटेरियम, ये आपका है। फिर है ट्राइटियम, ये भी आपका है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, फलों के जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फलों की जेली बनाने में सामान्यतः साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक और सूची दो में दिया गया है पैरिथियान। पैरिथियान जो है वो है कीटनाशक। फिर आपका दिया गया है आइसोप्रोटोन। आइसोप्रोटोन जो है तृणनाशक है। फिर है बॉडी मिक्सचर। बॉडी मिक्सचर जो है वो फफूंदी नाशक है।
फिर है ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है वृद्धि कारक है, जो बढ़ने में मदद करता है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3241। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सूची एक और सूची दो में दिया गया है। यहाँ दिया गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची वन में मिसाइल का नाम दिया गया है और सूची दो में मिसाइल का क्या वर्क है वो दिया गया है। तो इसे हम लोगों को मिलान करना है कि कौन सा जो मिसाइल है वो किस काम के लिए होते हैं, सही मिलान है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मिलान सही है। सूची एक में है नाग, जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये सही है। फिर दूसरा है अग्नि फायर, ये बोला जा रहा मध्यम श्रेणी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये गलत है। फिर तीसरा है स्वाथी, स्वाथी का है हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली, ये सही है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा केवल एक एवं तीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नासा का विजन टू मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है आपका अंतर तारकीय दूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है लॉग इन नेम, लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी प्रक्रिया कहलाती है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। छठा टॉपिक जो है झारखंड विशेषांक, इससे 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे पेपर वन में, उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये हमें भवनाथपुर से प्राप्त हुई हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बना? तो तेज सिंह के समय रामगढ़ की राजधानी इचाक बन गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो ये होगा 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से भोजन मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी जो है दी गई थी, किस ईस्वी में दी गई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 1785 जो है, उस 1785 ईस्वी में जो तिलका मांझी है उनको फांसी दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1785। नेक्स्ट है, किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? मंडा का ही त्यौहार है जो दोस्तों, जिसमें उपासक क्या करते हैं, 10वें दिन जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। नेक्स्ट है, पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट आश्रयणी जो स्थित है उस वो जिला का नाम है गुमला, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर चतरा में है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो कंपनी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान 14वां है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, 7वां टॉपिक है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, सिलेबस के अनुसार इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के साबित कदाचार या भ्रष्टाचार एवं अन्य नियम के उल्लंघन संबंधित मामले की जांच कौन करता है? तो इसकी जांच उच्चतम न्यायालय करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित व मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यवहारिक अनुभव हो? तो ऐसे 2 सदस्य होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभयारण्यों को सही राज्य से सुमेलित कीजिए, सूची एक में अब दिया गया है आपका अभयारण्य और सूची दो में उसका जगह का नाम दिया गया है, इसे सही रूप से मिलान करना है और कुट में उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध जो है वो बिहार में ही है, ये आपका सही मिलान है। फिर आपका आ गया डालमा जो है वो झारखंड में है, ये भी सही है। उसके बाद है सिमलीपाल,
सिमलीपाल जो है वो केरल में है, और पेरियार जो है पेरियार जो है वो आपका ओडिशा में है। सॉरी दोस्तों, फिर से हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध जो है वो बिहार का है, फिर है डालमा वो झारखंड में ही है, और ये सिमलीपाल है वो ओडिशा का है, और पेरियार जो है वो केरल का है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के उपशमन हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिनिर्धारित योगदान निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या शामिल है वो यहाँ पे जवाब देना है। तो पहला में है भारतवर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 1990 के स्तर से 33 से 35% की कमी करेगा, ये वाला नहीं है। फिर आपका है भारतवर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं पेड़ आच्छादन के जरिए 2.5 से 3 अरब टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के अतिरिक्त कार्बन सोखता कार्बन सिंक सृजित करेगा, ये आपका है सही है। फिर तीसरा है भारतवर्ष 2030 तक अपनी संस्थापित क्षमता का 40% विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा, ये भी सही है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 एवं 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान करेंगे, नगरीकरण के अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही क्रम में इसको सजा के हम लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है केरल दिया है, मिजोरम और गोवा और तमिलनाडु, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों गोवा, फिर आपका हो जाएगा मिज़ोरम, गोवा पहले है फिर मिज़ोरम, उसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद केरल, नगरीकरण के संबंध में और वो अवरोही क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है, निम्नतम पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, निम्नतम है बिहार की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में गरीबी उन अनुमानों का आधार है, गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिवार का उपभोग व्यय, कि परिवार कितना व्यय करता है अपने ऊपर उसके आधार पे यहाँ पे भारत में गरीबी अनुमानों का आधार लगाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था, तो सर्वप्रथम भारत ने अपनाया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, विश्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WTO का जेनेवा। नेक्स्ट है भाई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, सूची एक में ट्रॉफी का नाम दिया गया है, सूची दो में खेल का नाम दिया गया है, और किस खेल में कौन सी ट्रॉफी मिलती है उसका सही मिलान करना है, तो यहाँ दिया गया है रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, आगा कहाँ खप हॉकी से है, और नारंग कप बैडमिंटन से, ये सही है। तो इसी के क्रम में आपको कुट में जवाब देना है, इसके अनुसार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित है, तो सर्वाधिक चक्रवात जो होता है वो लौटते हुए मानसून की ऋतु में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौटते हुए मानसून की ऋतु। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है उस पर हम लोग को ध्यान देना है कि सही नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए सही है, सीवी रमन भौतिकी के लिए मिला सही, हरगोविंद खुराना भौतिकी के लिए मिला ये सही नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
हर गोविंद खुराना बहुत की। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत की एकता और अखंडता के लिए। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो पहले क्रिकेटर बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट है, गीत एब्डेन इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जी हाँ। बी में है, इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, जी हाँ। उसके बाद सी में, ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 का पुरस्कार दिया गया है धौड़ी, जो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। नेक्स्ट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सही है। फिर दूसरा दिया गया, APAAR के तहत प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये भी सही है। अब यहाँ पूछ रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड, वो फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, केरल के विजिन जाम बंदरगाह पर पहुँचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जेन हुआ 15। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो पहला देश बन गया है भारत, मिस्र, ऑप्शन नंबर ए मिस्र, मिस्र जो है वो पहला देश बन। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाक निन सिटी वियतनाम। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? क्या था उसका थीम? था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई? तो पहली युगल जोड़ी बन गई है सात्विका साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है जूही हथिनी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों, आज का सेशन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट टू का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की
नई प्रजाति जो है खोजी गई है, तो वो है इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम है जहाँ पे डम्पर टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने शिवांगन पब्लिकेशन का ही पेपर वन का सेट टू किया है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी पेपर वन का ही शिवांगन का हम लोग करेंगे सेट थ्री। और जो शिवांगन पब्लिकेशन का ही है सेट वन जो है वो सर पढ़ा चुके हैं, और सेट टू आपका करा देंगे। मैं आपको पेपर वन का सेट थ्री अगले सेशन में कराऊंगी। और हमारे चैनल पे जो भी व्यूवर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक हमें ज़रूर देंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और अगर इससे संबंधित और भी वीडियोस आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका झारखंड फाइटर, उससे आप जुड़ें और वहाँ से आप जितने भी वीडियोस हैं आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। आप इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।